हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं थायरोक्स टेबलेट के बारे में। जानने वाले हैं थायरोक्स में कौन कौन से एमसीजी में टेबलेट आता है, उसका यूज़ क्या है, डोज क्या है, प्रिकॉशन क्या रखने हैं और साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले जान लेते हैं थायरोक्स टेबलेट कौन कौन से एमसीजी में अवेलेबल है मार्केट में। तो ये 12.5 एमसीजी में और 25 एमसीजी, 62 एमसीजी और 50 एमसीजी और 75 और 88, 100 और 125 और 150, इस प्रकार से अलग अलग एमसीजी में अवेलेबल है। काम सबका सेम है, बस प्रॉब्लम के अनुसार कम एमसीजी या फिर ज़्यादा एमसीजी देना रहता है। जान लेते हैं थायरोक्स 50 एमसीजी टेबलेट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके एमआरपी के बारे में। तो इसका एमआरपी 110 रुपये रहता है। एक सीसी का बॉटल आता है जिसमें 100 टेबलेट होते हैं, जिसका एमआरपी 110 रुपये रहता है और ये थायरोक्स नाम से मैकलियोड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। बात करें इसे कंपोजिशन के बारे में, इसमें थायरोक्सिन सोडियम रहता है जो कि 50 एमसीजी में अवेलेबल रहता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में, ये हाइपोथायरायडिज्म के लिए दिया जाता है, यानी कि ये एक प्रकार का थायराइड डिसऑर्डर होता है। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं हाइपोथायरायडिज्म के बारे में। जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्रंथि जो होता है, वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन कई बारी थायराइड ग्लैंड जो होते हैं उसमें कुछ समस्या होने के कारण थायरोक्सिन का निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। तो थायरोक्सिन की कमी की वजह से हाइपोथायरायडिज्म होता है। जो थायरोक्सिन अगर ज़्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपरथायरायडिज्म और जो कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोथायरायडिज्म। थायरोक्सिन की कमी को बोलते हैं हाइपोथायरायडिज्म। थायरोक्सिन के कमी को पूरा करने के लिए थायरोक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जान लेते हैं हाइपोथायरायडिज्म के कुछ लक्षण के बारे में। इसमें वजन बढ़ना, थकान आना, उदासी रहना, तो इस प्रकार के कुछ इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं थायरोक्स के डोज के बारे में। तो ये डिपेंड करता है आपके समस्या या फिर प्रॉब्लम के ऊपर कि आपको कितनी मात्रा में या फिर कितना रिक्वायरमेंट है थायरोक्सिन का। इस टेबलेट को डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेना रहता है। आप दिन में जिस टाइम भी इस टेबलेट को ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे यानी कि पर डे इस टेबलेट को उसी टाइम में ही लेना रहता है। थायरोक्सिन का जो मैक्सिमम डोज है पर डे के हिसाब से वो 0.05 एमजी के हिसाब से लेना रहता है। बात करें इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में, तो इसमें डायबिटीज पेशेंट को नहीं देना है और जो हाइपरथायरायडिज्म यानी कि जिसमें थायरोक्सिन ज़्यादा है उसको भी नहीं देना है। किसी को अगर हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें भी नहीं देना है। प्रेगनेंसी में सेफ है, उसमें देख सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अब बात कर लेते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। थायरोक्स 50 एमजी एमसीजी टेबलेट का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो इसमें वजन घटना, नींद आना, दस्त, उल्टी आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि हो सकते हैं। तो गाइज, ये था थायरोक्स टेबलेट के बारे में जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।